हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेडी एंड टर्बुलेंट फ्लो को। स्टेडी फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है ये देखेंगे। स्टेडी फ्लो का मतलब है कि ऑल द पार्टिकल्स reaching a particular point all the particles of fluid हमें मालूम है कि fluid is made of millions and millions and millions of particles। उन सभी के सभी particles जो कि उन millions and millions of particles में से वो सारे पार्टिकल्स जो कि एक गिवन पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, ऑल द पार्टिकल्स रीचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट हैव सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। Have same velocity at the instant they reach the given point। मैं इस पाइप में अगर लिक्विड को फ्लो करता हुआ एज्यूम करूं और वो फ्लो अगर मैं स्टेडी एज्यूम करूं तो इसका मतलब होगा कि मैं इस पाइप के अंदर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लूं। मान लेता हूं ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पर अभी t इज इक्वल टू जीरो पर मान लेते हैं एक पार्टिकल आया, पार्टिकल नंबर वन। पार्टिकल नंबर वन जब इस पॉइंट ए पर पहुंचा, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पॉइंट ए, तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं वी। ये टी इज इक्वल टू जीरो पर था। टी इज इक्वल टू वन सेकंड पे मान लेते हैं हमारा सेकंड पार्टिकल आता है, उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट ए पर कितनी होगी, v ही होगी। देखिए, एक इंस्टेंट पर एक पॉइंट पर एक ही पार्टिकल रह सकता है। तो t इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल नंबर वन था, उस पॉइंट a पर पार्टिकल नंबर वन की वेलोसिटी v थी। थोड़ी देर बाद पार्टिकल नंबर टू आया, तो जब पार्टिकल नंबर टू इस पॉइंट a पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी भी इस पॉइंट पर v ही थी। फिर पार्टिकल नंबर थ्री आया, जब वो थर्ड पार्टिकल पॉइंट ए पे पहुंचा तो उस थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी भी इस पॉइंट ए पर v थी। सिमिलरली फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसा हर पॉइंट के लिए वैलिड है। अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, मान लेते हैं पॉइंट बी, तो इस पॉइंट बी पर जो फर्स्ट पार्टिकल था मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी वी डैश थी। तो जब इस पॉइंट बी पर सेकंड पार्टिकल पहुंचेगा तो उस सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट बी पर वी डैश ही होगी। जब थर्ड पहुंचेगा तो थर्ड की वेलोसिटी भी वी डैश होगी। वी और वी डैश का इक्वल होना जरूरी नहीं है। वेलोसिटी लाइन ऑफ फ्लो के अलोंग चेंज हो सकती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो सकती है, पर एक पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल पहुंचे उस पॉइंट पर जब वो पहुंचे उस इंस्टेंट पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल होगी। वो जो फर्स्ट पार्टिकल पॉइंट ए पर वेलोसिटी वी से मूव कर रहा था
वो यहां से मूव करते करते मान लेते हैं पॉइंट सी तक पहुंच गया, तो पॉइंट सी पर इसकी वेलोसिटी फिर से वी होना जरूरी नहीं है, पॉइंट सी पर इसकी वेलोसिटी कुछ और हो सकती है, वी वन हो सकती है या वी टू हो सकती है, लेकिन पॉइंट सी पर अगर कोई दूसरा पार्टिकल आता है तो उस दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी भी पॉइंट सी पर वी वन ही होगी। सो स्टेडी स्टेट का मतलब है, स्टेडी फ्लो का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स रीचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम एट द इंस्टेंट दे रीच द गिवन पॉइंट। अब एक चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हर पार्टिकल जब पॉइंट ए पे पहुंच रहा है तो उसकी वेलोसिटी सेम है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप ऐसा सोचिए, अगर मैं बोलूं कि पहला पार्टिकल जब दिल्ली आया तो उसकी वेलोसिटी मुंबई की तरफ थी, तो पार्टिकल दिल्ली से मुंबई चला गया, फर्स्ट पार्टिकल। उसके बाद जब मुंबई पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हो गई, मान लेते हैं, चेन्नई की तरफ। तो मुंबई से हमारा पार्टिकल चेन्नई चला गया, चेन्नई से उसकी वेलोसिटी हो गई कोलकाता की तरफ। तो चेन्नई से वो पार्टिकल कोलकाता आ गया, और उसके बाद मान लेते हैं वो पार्टिकल चला जाता है पुणे। तो पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से पुणे। फर्स्ट पार्टिकल आया दिल्ली पर तो उसकी वेलोसिटी मुंबई की तरफ थी, मुंबई चला गया। तो मतलब जब सेकंड पार्टिकल दिल्ली पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी मुंबई की तरफ होगी, तो सेकंड पार्टिकल भी मुंबई पहुंच जाएगा। फर्स्ट पार्टिकल जब मुंबई में पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी चेन्नई की तरफ थी, दैट मींस जब सेकंड पार्टिकल मुंबई पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी भी चेन्नई की तरफ होगी। फर्स्ट पार्टिकल चेन्नई पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कोलकाता की तरफ थी, वो कोलकाता चला गया, तो सेकंड पार्टिकल भी जब चेन्नई पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कोलकाता की तरफ होगी, वो कोलकाता चला जाएगा। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट सेकंड पार्टिकल विल फॉलो द पाथ ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल विल फॉलो द पाथ ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल विल फॉलो द पाथ ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो इस तरीके से जो भी पार्टिकल दिल्ली पहुंचेगा वो सभी पार्टिकल्स ये वाला पाथ फॉलो करते हुए अंत में पुणे पहुंच जाएंगे। मतलब क्या है? ऑल द पार्टिकल्स रीचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट फॉलो सेम पाथ। जितने भी पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेंगे फ्लूइड मोशन के अंदर, स्टेडी फ्लो के अंदर, वो सभी पार्टिकल सेम पाथ फॉलो करेंगे। पहला पार्टिकल अगर ये पाथ फॉलो कर रहा है तो नेक्स्ट पार्टिकल भी यही करेगा, उसका अगला पार्टिकल भी यही करेगा, उसका अगला पार्टिकल भी यही करेगा। इस पाथ को हम लोग कहते हैं, दिस पाथ इज कॉल्ड, इसके बहुत सारे नाम हैं, लाइन ऑफ फ्लो। दिस पाथ इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो।
और स्ट्रीमलाइन इसीलिए स्टेडी फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो छोड़िए, इसको एक और नाम देते हैं हम लैमिनार फ्लो। तो कोई आपसे बोले स्टेडी फ्लो, कोई बोले स्ट्रीमलाइन फ्लो, कोई बोले लैमिनार फ्लो, सब एक ही बात कह रहे हैं। स्टेडी फ्लो इज सेम एज लैमिनार फ्लो, इज सेम एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये स्ट्रीमलाइन हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? मान लेते हैं एक पाइप में कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है, लगातार लिक्विड यहां फ्लो कर रहा है। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक पतली सी सिरिंज डाली, पतला सा सुई डाला इंजेक्शन वाला, जिसमें मैं धीरे धीरे यहां से एक कलर्ड डाई, मान लेते हैं ब्लू कलर की डाई इंसर्ट कर रहा हूं। इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, और मैं बहुत स्लोली एकदम धीरे धीरे यहां पर एक ब्लू कलर की डाई, डाई मतलब कलर, इंसर्ट कर रहा हूं एकदम स्लोली। इसके अंदर भी पानी है जिसमें ब्लू कलर मिला हुआ है। तो मैं क्या देखूंगा कि इस पाइप के फ्लो के अंदर वो जो ब्लू कलर की डाई है, दैट विल फॉलो जस्ट वन लाइन, वन पाथ, दैट पाथ इज स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, ये तो प्रैक्टिकल हो गया देखने का तरीका। डिफाइन कैसे करेंगे, पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल्स ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। तो अब बात करते हैं हम लोग टर्बुलेंट फ्लो की। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो उस फ्लो को कहते हैं जो कि स्टेडी नहीं है, मतलब एक ही लोकेशन पर पहला पार्टिकल आया, उसकी वेलोसिटी कुछ है v1, दूसरा पार्टिकल आया तो उसकी वेलोसिटी कुछ और है v2, थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और ही हो सकती है v3 हो सकती है। इस तरीके से आपका लिक्विड किसी पाइप में फ्लो कर रहा है, एक ही लोकेशन पे अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है, तो ऐसे फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ये टर्बुलेंट फ्लो की न्यूमेरिकल स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट इन सिलेबस। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो का, सिर्फ टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन है और उसको आइडेंटिफाई करने के प्रॉब्लम्स हमारे सिलेबस में आते हैं टर्बुलेंट फ्लो पर। अदरवाइज हम जो भी स्टडी करने वाले हैं पूरी फ्लूइड डायनामिक्स में, वो सिर्फ स्टेडी स्टेट या स्टेडी फ्लो या फिर लैमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में होती है। थैंक यू।